हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं कैलाश आप सभी का अपने एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे किया जाता है। कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल या कंप्यूटर में है और उसमें आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं, तो वो आप उस पीडीएफ को कैसे एडिट कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत सिंपल से तरीके में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को, और यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है यहाँ पे, तो इसको हम पहले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर हम इसको यहाँ से, इसको अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसको हमें यहाँ पे एडिट करना है, कुछ भी एडिट करना है इस पीडीएफ फाइल में, तो क्या यहाँ से होगा? चलिए एक बार हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए इसको एडिट करना है, हम यहाँ से तो कुछ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी एडिट इसमें नहीं हो रहा है। तो इसको एडिट करने के लिए आप पीडीएफ को कैसे एडिट करेंगे उसका पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो एडिट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीडीएफ टू वर्ड, यानी वर्ड फाइल में हम इस पीडीएफ को कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आई लव पीडीएफ का एक ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हैं कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड फॉर फ्री। तो यहाँ पे हम इस पर ओके कर देंगे, और अब यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो भी पीडीएफ आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चॉइस फाइल पे आपको ओके कर देना है और उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पीडीएफ है इसको यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम ओपन के ऑप्शन पे ओके करेंगे। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चॉइस ऑप्शन के यहाँ पे आपको क्लिक करना है, चॉइस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो जो पीडीएफ है ये हमारा वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आना है और डाउनलोड फाइल के ऑप्शन पे हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पीडीएफ था वो वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें हम कुछ भी एडिट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ में एडिट कर सकते हैं। सेलेक्ट, और इसे हमें क्या करना है, एडिट करना है। तो चलिए एडिट करके यहाँ पे हम एक बार देखते हैं। तो जैसे कि अब मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे ये देखिए, कुछ भी इसमें आप अब एडिट कर सकते हैं, जो आपको एडिट करना है, जो आपको लिखना है वो आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें आप कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार आप कोई भी पीडीएफ को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रिंट देना है तो आप यहाँ से प्रिंट पे आप करके यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन के आने के बाद में यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे आप प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं।